आज की इस वीडियो में हम हाथी के बारे में आपको बहुत दिलचस्प हकायक बताएंगे, तो वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो चलिए जी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हाथी दुनिया का सबसे बड़ा खुश्की पर रहने वाला ममालिया जानवर है, जिसका वजन जो है वो तकरीबन 100 इंसानों के बराबर है, जिसकी हाइट जो है वो ऑलमोस्ट 4 मीटर के करीब होती है। हाथी दुनिया का वो वाहिद मैमल है जो कि छलांग नहीं लगा सकता। हाथी 5 किलोमीटर की दूरी से पानी को महसूस कर लेते हैं। हाथी जो है वो इंसानों की आवाज सुनकर ही पहचान लेते हैं, बल्कि उसके साथ साथ उस इंसान में पाई जाने वाली तमाम खूबियों को भी भांप लेता है। बड़ी महारत के साथ इंसानों की जिंस और उनकी उम्र में भी फर्क कर लेता है। एक तहकीक के मुताबिक हाथी जो है वो आने वाले खतरों को भांप लेते हैं और मौका मिलते ही उस जगह से दूरी एहतियार कर लेते हैं। हाथी बहुत ही जहीन होते हैं और अगर इनको सिखाया जाए तो ये बहुत ही जल्दी सीख लेते हैं। वैसे तो ये बहुत ही गुस्से वाला जानवर है, लेकिन इसकी जो चाल है वो बहुत धीमी होती है। अगर ये किसी इंसान के करीब से गुजरे तो इसके चलने की कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती, क्योंकि हाथी के जो पांव हैं वो गद्देदार होते हैं। हाथी की सूंड एक लचकदार हड्डियों का मजमुआ होती है, जिसको हाथी अपनी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। हाथी की सूंड ही इसका नाक भी है और इसके हाथ भी हैं, क्योंकि हाथी अपनी सूंड की मदद से 300 किलो के करीब वजन जो है उसको उठा सकते हैं और ये इसके अंदर 12 किलो के करीब पानी जो है वो आसानी से भर सकते हैं। इसकी सूंड में तकरीबन 40,000 के करीब मसल्स होते हैं। हाथी अपने पैरों की मदद से एक दूसरे को मिलते हैं और बहुत से खतरात के बारे में एक दूसरे को आगाह करते हैं। हाथी की जो स्किन होती है उसकी मोटाई तकरीबन 1 इंच के बराबर होती है। हाथी एक सब्जीखोर जानवर है और ये तकरीबन पूरे दिन में 16 घंटे के करीब खाते रहते हैं, लेकिन जो हाथी जंगल में रहते हैं वो तकरीबन 2 घंटे ही सो पाते हैं। अफ्रीका में पाए जाने वाले हाथियों के दांत 6 फुट तक लंबे होते हैं और इनका जो वजन है वो तकरीबन 23 किलो के करीब होता है। आपको बताते चलें कि हाथी के दांतों की जो कीमत है वो लाखों में होती है और हाथी जो है अपने दांतों की मदद से ही जमीन में गड़े खोदते हैं। अगर उनको खतरा महसूस हो तो वो अपने दांतों की मदद से अपना दिफा भी करते हैं। हाथी के सूंड की अगर बात की जाए तो वो तकरीबन 7 फुट लंबी होती है और उसका जो वजन है वो तकरीबन 140 किलो होता है। अगर हम हाथी के वजन की बात करें तो एक अफ्रीकी हाथी का जो वजन है वो तकरीबन 6 टन के करीब होता है, कि जो एशियाई हाथी होता है यानी कि जो एशिया में पाया जाता है उसका जो वजन है वो तकरीबन 4 टन के करीब होता है। हाथी बड़ी आसानी से तैरना भी जानते हैं, जो कि बड़ी हैरानकुन बात है। फिजिकली रिलेशन बनाने के मामले में हाथी जो है वो बहुत ज्यादा शर्मीला होता है और वो जिस इलाके में या जहाँ पर वो रहता है वो उसके अलावा कहीं पर भी ऐसा ताल्लुक बनाना पसंद नहीं करता। एक हथनी की जो हमल की मुद्दत होती है वो तकरीबन 2 साल के करीब होती है। उस सूरत में हाथी जो है वो अपनी मादा का बहुत ज्यादा ख्याल रखता है और जब हथनी की डिलीवरी का टाइम आता है तो वो कोई नरम जगह या पानी वाली जगह को पसंद करती है और वहाँ पर ही अपना बच्चा पैदा करती है। हाथी के बच्चे का जो वजन होता है वो 120 किलो के करीब होता है, जो कि उसकी उम्र बढ़ने के साथ साथ 12,000 किलो तक भी जा सकता है। हाथी अपने बच्चों के बारे में बहुत ज्यादा शफीक और बड़े ज्यादा मेहरबान वालिद साबित होते हैं, यानी कि अगर कोई बच्चा बीमार हो तो पूरा जो ग्रोह होता है हाथियों का वो उसको छूने या उसकी हैरियत दरियाफ्त करने के लिए पहुंच जाता है। एक और बात आपको बताते चलें, हाथी अपने वजन के तकरीबन 5 गुना तक जो खुराक होती है वो रोजाना एक दिन में खा जाता है, यानी जितना वजन हाथी का अपना होता है वो उससे 5 गुना ज्यादा वजन का खाना खाता है और एक दिन में हाथी जो है वो 180 लीटर के करीब पानी पीता है। हाथी खानदानों और ग्रोहों की शक्ल में रहते हैं। हाथी के जो दांत होते हैं वो बहुत सी कारआमद अशिया बनाने में इस्तेमाल होते हैं। अगर हम इसकी जुबान के बारे में बात करें तो जुबान इसकी जो है वो दूसरे जानवरों से थोड़ी मुख्तलिफ होती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि इसकी जो जुबान होती है वो उल्टी होती है। हाथी बहुत ही हसास और जज्बात रखने वाला जानवर है। हाथी जो है वो अपने मुर्दों की बहुत ताजीम करते हैं। ये अपने मरे हुए साथी की जो लाश होती है उसको हाथों से और अपनी सूंड से सूंघते हैं और काफी देर तक उसके पास खामोश खड़े रहते हैं।
जिससे ये जाहिर होता है कि वो उसका गम मनाते हैं। इसकी जो उम्र होती है वो ज्यादा से ज्यादा 60 साल तक होती है। हाथी भी इंसानों की तरह एक दूसरे को फोकियत देते हैं। हाथी अगर अपने आप को शीशे में देख ले तो उसको ये अंदाजा हो जाता है कि वो शीशे में जिसको देख रहा है वो खुद ही है। हालांकि बहुत से ऐसे जानवर होते हैं जो अगर अपने आप को शीशे में देख लें तो उनको ये लगता है कि वो शायद कोई दूसरा जानवर। इनकी सबसे हैरानगी वाली बात यह है कि ये बगैर आवाज निकाले अपने साथियों को खतरे का बता देते हैं। बहुत से ऐसे रवैये जिनका जहानत के साथ ताल्लुक है वो सब हाथियों में भी पाए जाते हैं। इन रवैयों में खुशी, गमी, आलात का इस्तेमाल, म्यूजिक और आर्ट का इस्तेमाल शामिल है। हाथी अपने पैरों के जरिए जमीन में होने वाली थथराहट को महसूस करते हैं। हाथी अपने पैरों का इस्तेमाल बहुत सी आवाजों को सुनने के लिए करते हैं। जब हाथी गुस्से में होता है तो वो अपने कानों को फड़फड़ाता है और अपनी सूंड को ऊपर कर लेता है और हर उस चीज के ऊपर हमला कर देता है जिससे उसको खतरा लाहक हो या जिसके ऊपर उसको गुस्सा आ रहा हो। गुस्से की हालत में ये अपना होश खो देता है और उस वक्त ये किसी की भी जान ले सकता है। उसकी मिसाल ये है कि अगर कभी दो हाथी आपस में लड़ पड़े, उनकी लड़ाई तब तक खत्म नहीं होती जब तक उनमें से एक हाथी मर ना जाए। जमीन पर पाए जाने वाले जानवरों में सबसे बड़ा जो दिमाग है वो हाथी का होता है, जिसका वजन तकरीबन 5 किलो के करीब होता है। सियाने कहते हैं कि हाथी और बिल्ली में बहुत पुरानी दुश्मनी है, क्योंकि जब कभी हाथी जो है वो बिल्ली को देख लेता है तो वो फौरन उस जगह से भाग जाता है। हाथी की बसारत जो है वो वैसे तो वो कमजोर होती है, लेकिन इसकी जो सूंघने की हिस्से होती है वो बहुत तेज होती है। दिलचस्प बात ये है कि हाथी जरूरत पड़ने पर जमीन से नमक तलाश कर लेते हैं। माहरीन हैवानात ने कहा है क्योंकि हाथियों को अपनी खुराक में नमकियात का भी इस्तेमाल करना होता है, तो अगर उनको वो जमीन के ऊपर से ना मिले तो वो उस जगह पर गड़ा खोद देते हैं जहाँ पर उनको नमक महसूस होता है। हाथी 5 साल के करीब जवान हो जाता है और हाथी अगर अपनी ज़िंदगी में एक बार किसी दूसरे हाथी को मिल लें तो उसको पूरी ज़िंदगी कभी भी नहीं भूलते। अब हम आपको हाथी के तिब्बी फवायद के बारे में बताएंगे जिनको सुनकर आपको बहुत हैरानगी होगी। जिसमें सबसे पहला तो ये है कि अगर कोई जवान लड़की गलती से हाथी का पेशाब जो है वो पी ले तो वो कभी हमला नहीं हो सकती। अगर कोई बवासीर का मरीज हाथी की खाल का धुआं ले तो ये बीमारी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। अगर कोई इंसान हाथी के दांत जो हैं उनको पीस कर शहद में मिला कर खा ले तो उसका कुव्वत हाफ़ज़ा बहुत तेज़ हो जाएगा। और अगर कोई गंजा इंसान हाथी के गोबर को तेल में मिक्स करके अपने सर पर लगा ले तो उसके सर पर बाल उगना शुरू हो जाएंगे। हाथियों का इस्तेमाल दुनिया में सबसे ज़्यादा लंबी उम्र पाने वाले जानवरों में होता है। हैरानगी की बात तो ये है कि एक तो साइज़ में सबसे बड़ा जानवर और ऊपर से उम्र में भी सबसे ज़्यादा। एक तहकीक के मुताबिक हाथियों में एक ऐसा जीन पाया जाता है जो कि कैंसर को भी मार दे देता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना बहुत सारा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।